हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव, गौरव एक्सपेरिमेंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मौज में होंगे। तो दोस्तों, चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। नो बकवास, नो फालतू बकवास। तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक फायर साइरन। तो जो फायर विकेट होती है उसका साइरन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम चाहिए एक ट्रांजिस्टर BC547 ट्रांजिस्टर, इसका नंबर है ये। तो इसकी दोस्तों मैं आपको सर्किट में सब कुछ समझाऊँगा, एक एक हिस्सा समझाऊंगा, एक एक पार्ट समझाऊंगा, एक एक लेग समझाऊंगा सब तरी। तो दोस्तों इसकी लेग थोड़ी सी साइड में कर ले रहा हूँ, हमें कनेक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, तो इस वजह से मैं इसके साइड यानी कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसके देखिए, इसके मैं आपको बता दे रहा हूँ इसकी लेग, इसको अभी मैंने नंबर ऊपर करके रखा है तो इस वजह से। तो दोस्तों इसके मैंने एक रजिस्टर ले लिया है 1K का, तो इसके मैं कलेक्टर पर लगा दूंगा। तो दोस्तों इसके जो मैं लगा रहा हूँ ये कलेक्टर पर लग रहा है, उसके बाद में इसका बेस, फिर इमीटर। दोस्तों मैंने इसके आपके पिन आउट भी बता दिए हैं, तो इसका कनेक्शन मैंने ऐसे कर दिया है। जो 1K रजिस्टर है वो मैं इसके कलेक्टर पर सोल्डिंग कर दिया हूँ, तो सोल्डिंग मैंने कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए एक डायोड, तो डायोड का नंबर है N487। तो दोस्तों इस डायोड को कनेक्शन हमें कैसे करना है, जो हमारी ब्लैक कलर की पट्टी है वो ट्रांजिस्टर के बेस पे लगानी है यानी कि बीच वाले पॉइंट पे, और जो हमारे सिल्वर कलर की पट्टी है वो हमें 1K रजिस्टर पे लगा देनी है इधर की साइड में। तो दोस्तों कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है कनेक्शन, कोई बच्चा भी होगा वो भी कर लेगा। तो दोस्तों इसके मैं कनेक्शन काफ़ी आराम से कर रहा हूँ, दोस्तों आपको दिखा भी रहा हूँ मोहब्बत के साथ बिल्कुल। तो जो बात होगी दोस्तों बिल्कुल मोहब्बत से होगी यहाँ पे। दोस्तों उसके बाद मैंने एक LED ले ली है। दोस्तों आप कैसी भी LED ले सकते हो, मेरे पास ये रेड कलर की पड़ी थी तो मैंने ये ले ली है। तो इसका जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो इसके ईमीटर पर लगा देता हूँ, यानी ट्रांजिस्टर के ईमीटर पर तीसरी वाली लेग पे, और इसका जो पॉजिटिव यानी नेगेटिव वाला हिस्सा है वो मैंने छोड़ दिया अभी। उसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए एक बजर, तो मैं यहाँ पे देखिए इसको दिखा हटा के अब मैं बजर लेके आया हूँ। तो दोस्तों ये बजर मैं लेके आया हूँ, 5 वोल्ट का बजर है, 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट का बजर है, मैं इसके पेन भी दिखा दे रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें मैंने वायर भी जोड़ दिया थोड़ी बहुत। तो इसका जो पॉजिटिव है LED का, वहीं पे हम इसी बजर के पॉजिटिव को जोड़ देंगे, काफ़ी बढ़िया कनेक्शन कर देने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों आप अगर नहीं समझ पा रहे तो दोस्तों वीडियो को रोक रोक के आप आराम से देख के जब कनेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जैसे हमारी LED के वायर हैं वैसे हमें इसके बजर के वायर लगा देने हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें एक चाहिए यहाँ पे इसको ऑपरेट करने के लिए, एक चाहिए बैटरी। तो बैटरी दोस्तों मैं वही लेने वाला हूँ, 18650 ली थी हमारे बैटरी, तो ये मैंने ले लिया है। तो दोस्तों इसमें एक वायर काट के मैंने एक स्विच भी लगा दिया है यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए। दोस्तों स्विच मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि हम इसको बंद चालू कर दें और ये हमारा चालू ही रहेगा, तो दोस्तों हमारी बैटरी काफ़ी जल्दी कंज्यूम कर लेगा, ख़त्म कर देगा बैटरी को। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल बेकार है। तो दोस्तों इसका नेगेटिव हम कनेक्ट करने वाले हैं LED के नेगेटिव पर, जहां हमारा बजर का नेगेटिव लगा हुआ है वहीं पे हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया है, अब दोस्तों पॉजिटिव हम कनेक्ट वाले करने वाले हैं 1K रजिस्टर पर और डायोड के बीच में, तो दोनों के बीच में यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा इसको। तो दोस्तों इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों कनेक्शन देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा सर्किट, और काफ़ी सिंपल से कनेक्शन है, कोई बच्चा भी होगा वो भी कर देगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों बच्चा होगा वो कर देगा, लेकिन हमारे यहाँ पर बच्चा नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो, तो हम नहीं कराते किसी से, हम खुद करेंगे। जो बात है दोस्तों आपके सामने है, या तो आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल मोहब्बत के साथ आराम से प्यार से बिल्कुल मोहब्बत से आपको बताएं एक एक वायर कहाँ से कहाँ लगेगा, कहाँ से कहाँ लगेगा। दोस्तों आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, नहीं समझ पाए दोस्तों आप वीडियो को फिर से दोबारा से देख सकते हो। उसके बाद में चलिए दोस्तों इसको हम सर्किट को चालू करते हैं। तो मैंने स्विच को ऑन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम लेके आते हैं माचिस, डायोड पर लगाते हैं। तो अब दोस्तों इसकी सायरन सुनिए आप, मैं अपनी चूँच बंद कर ले रहा हूँ, चूँच नहीं सो चौंच अपने यानी कि मुंह। तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे आप सुन लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपने बिल्कुल सुना आपे काफ़ी बढ़िया तरीके से दोस्तों। तो इसमें दोस्तों मैं फिर से लगा के दिखा रहा हूँ, फिर से आपको इसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो अब दोस्तों आप आवाज़ सुनिएगा। तो दोस्तों आपने आवाज़ सुनी इसकी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आवाज़ है, जो बिल्कुल फायर ब्रिगेड की आवाज़ होती है वैसी आवाज़ है, सेम थोड़ा बहुत अंतर है दोस्तों। ये हमने अपने घर पर बनाई है, वो हमारी जो फायर ब्रिगेड में लगती है वो दोस्तों ऑनलाइन आती है। दोस्तों फायर अलार्म सायरन है ये, तो दोस्तों फायर अलार्म सिस्टम, इसको दोस्तों कुछ भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसका नाम रख दीजिए,
मैंने ऐसा कुछ भी नाम नहीं रखा है, लेकिन ये हमारा काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, काफ़ी मस्त काम कर रहा है, तो इसकी आवाज़ सुनते रहिए आप। मैं अपनी चोंच बंद कर लेता हूँ दोस्तों, आपको आवाज़ सुनाता हूँ। दोस्तों ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, तो दोस्तों मैं लाइटर लेके आता हूँ, तो लाइटर में लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लाइटर लिया, ओ लाइटर नहीं, मोमबत्ती लेके आया हूँ, सॉरी दोस्तों मोमबत्ती लेके आया हूँ। तो इसको दोस्तों मोमबत्ती खोलते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे देखिए इसके साउंड सुनिए साउंड, अभी फिर लगा रहा हूँ, फिर आप इसकी साउंड का मजे लीजिए दोस्तों। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ करके, तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों प्लीज़। तो दोस्तों इसको यहाँ पे देखिए मैं इसमें लगा रहा हूँ, तो इसकी आवाज़ काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी मस्त चल रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, और दोस्तों मिलते हैं कई नई पॉइंट्स के साथ, बाय बाय।